सामान्य कहानी। नाग और चींटियां। एक जंगल में एक नाग रहता था। वह रोज चिड़ियों के अंडों को, छिपकलियों, चूहों, मेंढकों, खरगोश एवं छोटे छोटे जानवरों को खाता रहता था। इस प्रकार छोटे छोटे जीवों को खाकर दिन भर सुस्त रहता था। कुछ दिनों में ही वह काफ़ी लंबा हो और मोटा हो गया। उसका घमंड भी बहुत बढ़ गया। एक दिन नाग ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने रहने के लिए विशाल पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों का एक बिल था। वहाँ ढेर सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण जमा थे। नाग ने कहा, यह बवाल मुझे पसंद नहीं, यह गंदगी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। वह गुस्से से बिल के पास आ गया। उसने चींटियों से कहा, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और चलती बनो। नागराज को देखकर अन्य जानवर थरथर कांपने लगे, पर नन्ही चींटियों पर उनकी धौंस का कोई असर नहीं पड़ा। अब नागराज का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने अपनी पूंछ से बिल पर कोड़े की तरह जोर जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बहुत क्रोध आया। क्षण भर में हजार चींटियां बिल से निकलकर बाहर आ गई। वे नागराज के शरीर पर चढ़कर उसने काटने लगी। नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हों। वह असहाय वेदना से बिहल हो उठा। असंख्य चींटियों से वह घिर गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए वह छटपटाने लगा, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा होने से उसकी जान निकल गई। शिक्षा: किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, व्यर्थ के घमंड से विनाश हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।